नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में विशेष मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो कितनी साफ़ सफाई से आते हैं और कितनी लगन के साथ हमारे साथ पढ़ते हैं। आज इनको शैम्पू वितरित किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्हें मुफ्त कॉपी किताब पेंसिल रबड़ तो मिलता ही है, हफ्ते में एक बार शैम्पू भी मिलता है ताकि ये लोग सफाई से आएँ। सबसे पहली शिक्षा जो है वो सफाई से ही जुड़ी है। जब हम शुरुआती दौर में किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में यही आती है कि बच्चों के चेहरे पे मिट्टी, बालों में मिट्टी, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई देते हैं। मतलब इसमें कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। तो साथियों, आज मैं दिखाना चाहूँगा उन बच्चों को, आज एक भी बच्चा हमारे बीच में ऐसा नहीं बैठा है जो प्रॉपर तेल लगा कर ना आया हो, चेहरा साफ़ करके ना आया हो। आप लोग देखिए और एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बच्चा साफ सफाई के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस माहौल में भी बच्चे रहने के बाद भी कितनी साफ सफाई से आते हैं। आप सभी के देख सकते हैं बाल कितने साफ हैं। ये देखिए एक बच्ची, इसके बाल पहले दिखने में भयानक लगते थे लेकिन आज वो भी साफ हैं, तेल लगा हुआ है। वाह, आज शैम्पू मिला है आपको बेटा? आप लगा के आना, ठीक है? कल हैं, कल लगा के आओगे आप? हाँ। ये देखिए ठंड में भी बच्चे बैठे हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं शिक्षा लेने के लिए। ये देखिए पीछे, बहुत अच्छा। ये देखिए क्लिप, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कितने साफ कपड़े पहन रखे हैं। ये बच्ची रोज़ साफ सफाई से आती है। आप लोग शैम्पू लगाते हैं ना बेटा बालों में? आगे भी आप लोग साफ सफाई से आएंगे? बहुत अच्छा। इससे ये पता है, लगता है साथियों कि जानकारी आप किसी को भी दें, सुधरना कौन नहीं चाहता, अच्छे जीवन का अधिकार कौन नहीं लेना चाहता। आप देख सकते हैं इन बच्चों को कि अगर कोई भी इनके साथ मेहनत करे तो क्यों नहीं अच्छा जीवन बिताना चाहेंगे, क्यों नहीं साफ़ सफाई से रहना चाहेंगे। इन बच्चों को शुरू में बताया गया था कि बेटे सबसे शिक्षा लेने से पहले साफ़ सफाई ज़रूरी है, आप लोग साफ़ सफाई से आएँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देख कर, ये सभी बच्चे साफ़ सफाई से आए हैं। लगभग आज भी 50-55 बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन आप देख सकते हैं शोर नाम से कोई चीज़ नहीं है। देखिए कुछ बच्चे और देखिए, अरे वाह बेटा, आज तो आप ही, हाँ हाँ, वेरी गुड। ये बच्ची देखिए क्लिप लगा के आई है, हेयर बैंड लगा के आई है। आपको कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं दिखाई देगा इसमें, चेहरे साफ हैं, बाल साफ हैं, बहुत बढ़िया। आइए आगे आते हैं। आइए आपकी मुलाकात एक से करवाते हैं। क्या बच्चे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं? बोलिए। तो छोटे बच्चे आपको पहले से साफ दिखाई दे रहे हैं? ये बच्चे जो सामने बैठे हैं पहले से साफ सफाई से यहाँ बैठे हैं? तो सामने फ्रंट का कैमरा चला रखा है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आप बच्चे देखिए ना यहाँ पर, क्या ये बच्चे साफ सफाई से बैठे हैं? ठीक है, बैठे हैं, है ना। पहले के मुकाबले में फ़र्क है या नहीं है? फ़र्क है। खुशी हुई आपको देखकर? खुशी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। ये हमारे एक साथी थे, हमारे साथ ही हैं, और देखा आपने, इन्होंने बताया कि हाँ भाई बच्चे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दो शब्द ज़रूर इन्होंने बोले लेकिन हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी इन लोगों को इतना जागरूक करने के लिए, और आज भी शैम्पू दिया गया है। आप कुछ और कहना चाहेंगे? आपको बहुत लोग सुन रहे हैं। सर जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा इनको अच्छे उसमें रंग, जो आज की योजना चल रही है और इसमें डाले इसको, ठीक है ना, अच्छे पढ़ लिख के सही अच्छे आदमी बने, बस मैं तो इतना ही कह जाऊँगा, क्योंकि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है जी, ये देखिए बच्चे शैम्पू आज बच्चे बहुत खुश हैं, इन्होंने अपने आप दिखाया है कि हाँ भाई ये शैम्पू इन्हें मिला है।
और ये वादा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये एहसास। जिस एहसास को हम महसूस कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वैसा महसूस कर रहे होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर हम किसी के जीवन में भी थोड़ा बहुत बदलाव ला सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, आगे तमाम और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।